सुविधा भोक्ति है तो वो सुविधा थारुन मिले पड़ना हो समग्र रूप में नहीं वो का करे कि अब राजनीतिक रूप में हमन ठाव दे पड़ल सबसे भारी तो और लीडरशिपे हमन नहीं दी तो हम का करिए एक ठो भारी मुद्दा तो वो राजनीतिक मुद्दा दोसर जाके अब कौन फिर वह मन पढ़ल लिखल मन बिल्कुल छाट दे था वो ठाव मन तो जाए पड़ना विशेष किस्म के अधिकार हो पड़ना हो जबकि पढ़ल लिखल थारू नहीं हुई तो कहीं तो वो अवस्था मन थारून तो कौन ठाव पुगे पड़ना जता और जाति वर्ग और उपभोग करते डॉक्टर बनत इंजीनियर बनत तो वो चीज़ तो बनना दे पड़ल था हाकिम हुई पड़ मिल पड़ल सी डी ओ बन पड़ल हमार यहाँ अधिकांश थारू भेक बा हमारा थारू भेक मन तो थारू एकदम भोला वाला तरीका से बैठल बाटे यहाँ तो कौन उच्च नहीं हो कि हम पहाड़ में जाकर ना हमारा अधिकार खोजी वो चीज़ तो नहीं हो आ वहाँ जाके हमारा अधिकार प्रयोग कर फिर नहीं पैना अली अब यहीं खुद अधिकार प्रयोग नहीं कर पाई थी कल से तो नहीं वो अधिकार हमारा वहाँ अंत तो खोजी खोजी नीति तो कर नहीं सीखना अली तो एक तो खास के अधिकार के सवाल के विषय है हमन पढ़ल लिखल माने हाकिम हुई पड़ल सी डी ओ हुई पड़ल संख्यागत रूप में होल से फिर तो फिर नहीं हो तो बाकी बात तो कहो आमूल परिवर्तन एक ठो सोच के विषय है नहीं तर एक ठो थारू के मुद्दा के सवाल में थारून के अधिकार के सवाल में सबसे एक नंबर में तो राजनीतिक अधिकार ही पड़ दोसरो नंबर में सरकारी निकाय मन थारू मन उच्च वहदा मन पुग पड़ पढ़ल लिखल नहीं तो कह नहीं मिल अब दमन सर बात के यहाँ एक छो शिक्षा अधिकारी दुई दिन नहीं टिकल भगाड़ी ली हीरालाल चौधरी बात जाए कागज बैया बेहड़ी के वो यहाँ सहायक मन के लाइफ ही ना है बाकी पहाड़ मन बस सी डी ओ बनना यहाँ पर अधिकार नहीं है ना ये किस्म के अब व्हील थारू मन तो उपयोग कर नहीं मिलत तो अधिकार करना तो ये चीज़ होने तो अब न वन क्षेत्र में न कौनो देख पड़त न अर्थ विभाग में न कौन देख पड़त न कौनो कौन हमारे थारू मन कौनो सचिव बन उच्च स्तरीय सचिव बाट मंत्रालय की सचिव फिर क्यों नहीं हो अब सहसचिव सम्मके हीरालाल हुई ही अब सहसचिव सम्म हुई न मंत्रालय में हुई तो कोई तो ऐसी किस्म के एक ठो अधिकार के रूप में राजनीतिक अधिकार सबसे बाहरी चीज हो राजनीतिक अधिकार दिल से यहाँ सब चीज फिर भी ना वाला हो सब चीज छिनफान कर लिया फिर राजनीतिक अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार से अब एक तो थरोहट के जन विषय के हम आंदोलन कर रही तो थरोहट मना एक तो यहाँ पाछा पाछा आके पहचान का खाली के लिए मुद्दा हो कना किसी की बात उठाई भी रही नहीं क्योंकि पहचान पहचान के लाग मात्र लड़ाई हो पहचान के लाग मात्र पहचान के लाग तो अब वेशभूषा लगा के तो पहचान नहीं हो सांस्कृतिक रूप में न देखा के न तो पहचान तो नहीं हो अस्तित्व के सवाल बा यहाँ धारण के अस्तित्व का हो वो चीज़ अपन थारू अपन अस्तित्व प्रयोग कर मिलना कि नहीं मिलना खास अधिकार यहाँ थारू के अधिकार का ना